अलग अलग विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण बताए हैं। एक विद्वान का ऐसा मत है कि पांच प्राणों को निरोध जिनके द्वारा होता है उन लीलाओं को बताने के लिए ये पांच अध्याय हैं। श्री वल्लभाचार्य जी बताते हैं कि आनंद का अनुभव करने के लिए पांच मार्ग हैं। आत्मा से परमात्मा का अनुभव किया जाता है, मन से, वाणी से, प्राण से और इंद्रियों से। तो यह पांच मार्ग आनंद की उपलब्धि के साधन है, इसलिए यह पंच अध्याय है। भगवान पिता रात्रि योग माया उपाश्रितः, वह शरद की सुंदर रात्रियों को देखकर जो वरदान कात्यायनी व्रत में भगवान ने कुमारिकाओं को दिया, अब वह व्रत, उनको जो वरदान दिया, वह वरदान को पूरा करने का समय आया। शरद की रात्रि देखी, जिन रात्रियों की भगवान ने वचन दिया था उन रात्रियों को देखा, शरद रात्रि। और अब शरद की रात्रि में वृंदावन में, वृंदावन बिहारी कृष्ण विहार करने के लिए गए। शांत वन है, कोई आवाज नहीं, और वह पूरा वृंदावन श्याम सुंदर के चरणारविंद में जो नुपुर धारण किया हुआ है उसकी आवाज से छम 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 पूरे वृंदावन में वह रात्रि के समय में गूंज रहा है। विचरण करते करते भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे आ खड़े हुए और वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपने एक चरणारविंद को दूसरे चरणारविंद से आगे लपेट के त्रिभंगी रूप धारण कर, ललित त्रिभंगिया, पैरों की आंटी लगाई और यहां से कमर से भी थोड़ा सा शरीर को टेढ़ा किया, तीन जगह से टेढ़ा, पैरों को टेढ़ा किया, कमर से थोड़ी कमर झुकाई और जो कटी पे अधर, कटी पे जो वेणु थी वह वेणों को अपने अधरों पर सजाया और अधरों पर सजाकर मुखारविंद थोड़ा सा तिरछा करके ऐसी वेणु बजाई, ऐसी बंसी बजाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वह वेणु मिलन की आकांक्षाओं को बढ़ाने वाली थी, ऐसी दिव्य वेणुनाद भगवान ने किया। मिलन कंग के आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए योग माया का आश्रय लिया। आज गोविंद जी की नजर, श्याम सुंदर की नजर तीन जगहों पर पड़ी। पहली दृष्टि तो भगवान ने उस रात्रि पर डाली, सोचा कि यह तो भौतिक रात्रि है, अभी रात है, अभी दिन निकल आएगा, तो ये रात्रि अलौकिक होनी चाहिए, तो छह मास की कर दी, छह महीने। पहली दृष्टि भगवान की वह रात्रि पर गई। प्रभु की दूसरी नजर रात्रि के समय खिले हुए उन मल्लिका के पुष्पों पर, मल्लिका की जो कलियां थी वह कलियों पर अपनी दृष्टि गिराई। देखिए मल्लिका यानी मोगरा, और मोगरा जो है वह उष्णकाल का फूल है, शरद का थोड़ी है, लेकिन प्रभु की दृष्टि उन मोगरा के ऊपर गई, मल्लिका के पुष्पों पर गई, यानी जहां प्रभु की दृष्टि पड़ी छह ऋतु एक साथ खिल गई। और प्रभु की तीसरी दृष्टि जो ब्रज में गोपियां थी उन गोपियों के हृदय में डाली, उनके अंतःकरण की ओर थी, अपने जीवों को याद किया। वह वेणुनाद प्रभु वृंदावन में कर रहे और वही दिव्य वेणुनाद गोपियों ने अपने घर में सुना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। देखिए एक माया होती है जो भगवान से दूर ले जाए और एक माया है संबंध कराने वाली, योगाय माया इति योग माया, जो भगवान को संबंध करावे वह योग माया। योग माया का एक अर्थ बताया कि
योग माया क्या है कि वह बंसी, भगवान ने बंसी का आश्रय लिया कि वह वेणुनाद सुनकर गोपियां आई, यानी बंसी का आश्रय लिया। एक दूसरा अर्थ बताया योग माया, यानी कौन, कि श्री यमुना जी, श्री यमुना जी के तट पे हो खड़े होकर वेणुनाद किया। यमुना जी संयोग कराने वाली है, ब्रह्म संबंध जब हो तो या जीव को, तभी इनकी भुजा वाम भर के दौर कर शोर कर पिय सो जा है कहे। ऐसे आनंद में आ जाती है जब कोई जीव वल्लभ की शरण में आए और दौड़ के शोर के साथ प्रभु के पास पहुंचती है कि प्रभु ये जीव आया है उसको आप स्वीकार करो। ब्रह्म संबंध जब हो तो या जीव को, तभी इनकी भुजा वाम भर, दौड़ शोर करके ऐसे उत्साह उमंग में आकर वह जीव की कानी, जीव के तरफ से कानी प्रभु को विनती करती है कि ये शिवल्लभ की शरण में जीव आयो, या को स्वीकार करो या पे दृष्टि करो। यमुना जी कैसी है, संयोग कराने वाले, यानी यमुना जी के तट का आश्रय लिया। योग माया का एक और अन्य अर्थ बताया, योग माया यानी श्री स्वामी जी राधा जी, क्योंकि जब तक जीव पर राधा जी स्वामी जी की कृपा न हो जीव रास का अधिकारी नहीं बनता। श्याचार्य चरण सुबोधनि जी में बताते हैं कि ब्रह्मानंदात समृद्धित्य भजनानंद योजने, उन गोपीजनों को ब्रह्मानंद से बाहर निकालकर भजनानंद का दान करने के लिए प्रभु ने यह रास लीला की है। यह रास पंचाध्याय की कथा माधुर्य की कथा है, क्योंकि जब जब प्रभु के सामने खड़े हो या तो माधुर्य भाव आता है, या सख्य भाव आवे, या दास भाव आवे, या वात्सल्य भाव आवे, तो ये जो रास पंचाध्याय की कथा, ये माधुर्य लीला की कथा है। योग माया वृक्ष के नीचे खड़े होकर के दिव्य वेणु नाद किया और वह वेणु का नाद गोपियों ने अपने घर में श्रवण किया, नेत्र को बंद किया और आत्मा राम भगवान जीव का उद्धार करने के लिए वेणु का आश्रय लिया। ऐसा दिव्य वेणु नाद बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी ऐसा दिव्य वेणुनाद किया। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, वेद पठत ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पठत ब्रह्मा भूले भूले, ब्रह्मा जी वेद का पाठ कर रहे थे और वेणुनाद सुना, पाठ करना भूल गए, मंत्र भूल गए, समाधि में बैठे हुए समाधि अवस्था न रही भंग हुए, ऐसा दिव्य वेणुनाद प्रभु ने किया। रंभा साम ताल चूकी भूली नृत्यकारी, रंभा साम ताल चूकी भूली, रंभादी अप्सरा इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही थी लेकिन जहां वेणुनाद हुआ ताल चूक गई, रंभा साम ताल चूकी भूली नृत्यकारी, रंभा साम ताल चूकी भूली नृत्यकारी, यमुना जल उलटी बयो शोभाज भारी, यमुना जल उल्टा बहने लगा, बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदा
वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन रस जागृत मिलन की आकांक्षाओं बढ़ाने वाला वेणुनाद। वह वेणुनाद में काम बीज था जो गोपियों के हृदय में गया। जब जब प्रभु वेणुनाद करते गोपियां अपना सब काम भूल जाती। एक बार तो एक सखी ने यशोदा मैया को कहा, अरे मैया एक बात कहूं, काना को एक बात समझाएगी तू? क्या समझाना बेटा? कि जब हम रसोई बनाती हुए ब्यारू के समय के वाह समय ये वेणु बंसी ना बजावे। अरे क्यों? अरे मैया तेरो लाला ऐसी बंसी बजावे, ऐसी बंसी बजावे जहां अंगीठी हम जलावे की कोशिश करें लेकिन वो लकड़ी में से रस द्रवित हो जाए। तो हम रसोई कैसे बनावे, हम कैसे रसोई बनावे? अंगीठी जले ही नहीं है। वह वेणुनाद के द्वारा वह रस वह अंगीठी में से वह लकड़ी में से रस द्रवित हो जाए। तो कम से कम ब्यारू के समय भोजन बनाते समय बंसी ना बजावे। इतनों से जरा समझा देवा। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, बाल बाल मगन भए ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भए ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर वपुधारी, सुर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, सुर को प्रभु मदन मोहन चरणन बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए। वह बंसी वह वेणुनाद गोपियों ने सुना। लिम्पन्त्यः प्रभु जन्तोऽन्याजन्त काश्यलोचने व्यवस्थ वस्त्र वर्णा काश्चित् कृष्णान्तिकां ययुः। जब वेणुनाद किया कोई गोपी लिम्पन शरीर में अंगराग लगा रही थी, कोई आंखों में अंजन लगा रही थी, कोई वस्त्र धारण कर रही थी, कोई अपने परिवार पति की सेवा कर रही थी, लेकिन जहां बंसी वेणुनाद सुनाई दिया सब कामों को भूल दिया। देखिए छोड़ा नहीं, अपने आप छूट गया। जहां वेणुनाद हुआ एक आंखों में काजल लगाया, दूसरी आंख में रह गया, उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण कर लिए, बस अब तो ये कहां से ये नाद आ रहा है, बस वहां पहुंच। और ब्रज की कई गोपियां वह अर्धरात्रि के समय में जहां प्रभु वेणुनाद कर रहे थे वहां आ पहुंची। प्रभु ने नेत्र खोले तो देखा तो हजारों गोपियां प्रभु के सामने आ खड़ी हुई। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रिय किं करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कश्चित् वृतागमन काल, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेधिता, प्रीतियाद व्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुवर्त्यमा। स्वागतम वो महाभागः प्रियः किं करवाणिव
हे महाभाग्यशालिनियों, तुम सबका स्वागत है। स्वागत किया पर अब आगे क्या कहा? वृतागमन कारणम। अब तुम यहां पे आई हो तो ये बात बताओ कि तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? रजन येषा घोर रूपा, किसी घनघोर रात्रि, और ये रात्रि में ऐसे भयानक वन में जहां हिंसक प्राणियां भी इसमें विचरण करते हैं, और ऐसे वन में अकेली स्त्री को आना ये क्या शोभा देता है? वृतागमन कारणम, ये रात्रि के समय में ऐसे आना योग्य नहीं है। सखियों तुम वापिस जाओ। जहां प्रभु ने वापिस जाने की बात कही, उन गोपियों का हृदय, उनका दिल, उनका टूट गया। ऐसे सुंदर भाव मनोरथ लेके वो आई, लेकिन चौंक गई कि अरे ये श्याम सुंदर, ये प्रभु क्या बोल रहे हैं, वापिस जाओ? अरे हम तो कब से ये समय की प्रतीक्षा कर रही थी, और अब जब समय भी आ गया तो अब हमें वापिस जाने की कह रहे हैं? रात्रि के समय आना योग्य नहीं है, तुम वापिस जाओ। स्त्री का ये धर्म नहीं है। स्त्री का तो धर्म है भाई घर में रहे, रात्रि के समय में बाहर न रहे। तुम्हारे पति बालकों की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है। स्त्री धर्म समझाने लगे। एक सखी कहने लगी, अरे प्रभु आप धर्म हमें समझा रहे हो? जब चीरहरण किया था तब आपका धर्म कहां गया था? जब आपने माखन चोरी की उस समय आपका धर्म कहां गया? और ये तो कब से हम इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी, और आपने ही तो हमें बुलाया। ये वेणुनाद आपने क्यों किया है हमें बुलाने के लिए? तो आप कह रहे हो घर में जाओ, घर में रह के पति की सेवा करो, लेकिन घर में हमारा मन शरीर तो हमारा आपके पास है। मैं एवं विभुर हति भवान गदितम नृशंसम सत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन। हम सब कुछ प्रभु अपने घर का त्याग करके आए हैं, ऐसे निष्ठुर वचन न बोलें जिस प्रकार से आदि नारायण भगवान अपने मुमुक्ष जीवों को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही प्रभु आप हमारा स्वीकार करो। और आप कह रहे हो कि ये पति की सेवा करना ये सब धर्म है, तो आप हमें ये बताइए कि ये हम धर्म का पालन करेंगी तो क्या होगा? कि देखो गोपियों, तुम धर्म का पालन करोगी तो तुम्हारा हृदय निर्मल बनेगा। कि अच्छा प्रभु, तो हृदय निर्मल होगा तो क्या होगा? तो कि तुम्हारा जब हृदय निर्मल होगा तो तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा। कि अच्छा, तो प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा तो उससे क्या होगा? कि तुम्हें जब प्रेम प्रकट हो जाएगा, शुद्ध प्रेम जब तुम्हारे हृदय में आएगा, तो उसी प्रेम से मेरी प्राप्ति होगी। तो प्रभु आपकी प्राप्ति तो हमें यहीं पे हो गई, अब आप हमें कौन सा धर्म बता रहे हो? आप हमें मिल तो गए यहां पे। जो धर्म को पालन करके आप ही की प्राप्ति होनी है, तो हम सब तो आपके सामने ही तो खड़े हैं, अब कौन सा धर्म बता रहे हो आप? और हमारा तो सच्चा धर्म भी यही है। एक बात का जवाब दो, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करे, उसके सुख दुख में साथ में रहे, उसके बाद उसके भोजन करने के बाद ही भोजन करे। एक समय जब वह पति को कहीं बाहर प्रदेश जाना हुआ, वह पत्नी रोने लगी कि अब आप चले जाओगे तो आपके बिना तो मैं भोजन भी नहीं करती हूं, आपका जूठा तो मैं भोजन लेती हूं, आपके जाने के बाद मैं कैसे जी पाऊंगी? तब वह पति ने अपना एक फोटो उसको दे दिया, चित्र दिया, कैसा करना तू जो भी भोजन बनाए ये चित्र को भोग धराना और फिर तू भोजन कर लेना। अब पति की आज्ञा मानकर उसी प्रकार से वह पत्नी सेवा करने लगी, रोज पति के चित्र की पूजा करती, सेवा करती, उसको भोग धराती और फिर भोजन करती। एक समय की बात, जब वह पत्नी वह चित्र की सेवा कर रही थी, उसी समय बाहर से दरवाजा किसी ने खटखटाया, और वो दरवाजे के बाहर और कोई नहीं, उसी का पति था।
गोपी कहती है प्रभु मुझे ये बताओ कि अब वो स्त्री का धर्म क्या है, वह चित्र की सेवा करे या द्वार पे उस पे पति का स्वागत करे। भगवान कहते हैं गोपियों अरे वो जो द्वार पे उसका पति है तो फिर चित्र की सेवा क्यों करनी है। अब प्रभु आप ही कह रहे हो द्वार पे उसका पति है उसका स्वागत करना चाहिए, तो हम वही तो कर रही हैं। ये संसार के पति तो चित्र के समान हैं, आप ही तो हमारे पति हैं, तो जब हम आपका स्वागत आपकी सेवा कर रही हैं तो आप हमें कहां भेज रहे हो, हम वही तो कर रही हैं। प्रभु देखना चाहते थे कि ये जो गोपियां जो त्याग करके आई हैं घर परिवार का, ये त्याग आवेश जन्य है या विवेक जन्य है। गोपियों के साथ बड़ा संवाद हुआ और उनके प्रेम को देखकर भगवान खड़खड़ाहट हंसने लगे, और जहां हंसे हंसकर कहने लगे ये तो मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। और फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आत्माराम होते हुए भी वह भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास प्रारंभ किया। रास में बड़ा आनंद गोपियां ले रही थी, लेकिन उन्हीं गोपियों के अंदर कहीं महद अभिमान आ गया। सूक्ष्म रूप से अंतर्यामी भगवान वह गोपियों के अंदर आया हुआ मद जान गए और रास के मंडल में से अंतर्ध्यान हो गए। जहां रास के मंडल से प्रभु अंतर्ध्यान हुए सभी गोपियां इधर उधर देखने लगी, एक दूसरे को पूछने लगी अरे तुमने कहीं देखा कहां चले गए, अभी तो यहां हमारे साथ रास खेल रहे थे। प्रभु मान सहन कर सकते हैं लेकिन अभिमान सहन नहीं कर सकते। अंतर ध्यान होने के कई कारण बताए, एक कारण तो भक्तों के मद का प्रशमन करने के लिए और भक्तों के मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए, जो उनका मद उसका शमन करने के लिए। दूसरा अंतर ध्यान होने का कारण बताया कि जब भक्त को कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है तो वो सिद्धि के द्वारा उसको अभिमान आता है, तो भक्ति टिकने के लिए वह अभिमान तो उसमें बाधा डालेगा, तो इसलिए प्रभु उनके अभिमान को दूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। तीसरा एक कारण बताते हैं कि भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए, बताया कि देखिए भूख वह भोजन का आनंद है, भूख लगी हो तो भोजन में आनंद है और भूखी ना हो तो शटरस भी रखे हो तो उसमें रुचि पैदा नहीं होती। प्यास है तो पानी का आनंद है, भूख है तो भोजन का आनंद है। उसी प्रकार से जब जीव के अंदर आर्त भाव प्यास जब जीव के अंदर लालई लालसा जगे तब वो मिलन का आनंद है। तो पूर्ण रूप से प्रभु मिलन का आनंद कराने के लिए उनके अंदर लालसा बढ़ाने के लिए अंतर ध्यान हो गए। एक कारण और भी बताया कि कई बार क्या होता है जो कुछ सहजता सरलता से कुछ मिल जाए तो उस वस्तु उस पदार्थ का हम अमूल्यांकन करने लगते हैं। सरल सहजता से कुछ मिल जाए ना तो उसके लिए वैल्यू उसकी कीमत नहीं समझे, लेकिन किसी कार्य के लिए बड़ी साधना बड़ा प्रयास तप करना पड़े और फिर जाके वो चीज मिले तो उसका एक विशेष आनंद रहता है। कोई कार्य के लिए आपने वर्षों से बहुत समय से मेहनत की हो और वो आपको मिले तो एक उसका आनंद कुछ और ही है। तो गोपियों को पूर्ण आनंद देने के लिए भगवान रास में से अंतर ध्यान हुए, उन्हीं के अंतर में जाके छिप गए और गोपियां अब कृष्ण को बाहर ढूंढने लगी, एक दूसरे को पूछने लगी अरे तुमने कहीं देखा, देखा नहीं। अब उनको अपनी गलती समझ में आई, अरे इतना आनंद आ रहा था लेकिन ये हमारे अंदर जो मद आया ना अभिमान, कौन मोसी आन मैं सबसे सुंदर हूं, भगवान श्री आदि नारायण श्री कृष्ण वह मेरे साथ रास खेल रहे हैं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये मैं पना
ये अभिमान, ये मैं और मेरा ही हमें भगवान से दूर ले जाता है। दक्षिण भारत में एक गुरुकुल, कई ऋषि कुमार वहां पढ़ रहे थे। एक दिन आपस में कुछ चर्चा करने बैठे, प्रश्न उपस्थित हुआ कि ईश्वर को कौन प्राप्त कर सकता है। चर्चा विचारणा की, कोई समाधान न हुआ। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को जाके पूछा कि बताइए गुरुजी कि ईश्वर को, भगवान को कौन प्राप्त कर सके, क्या भगवान को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं हाँ शिष्य, तू भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैं निकल जाए तो। कुछ समझा नहीं। दूसरा आया, क्या मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं हाँ तू भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैं निकल जाए तो। एक ने आके कहा कि गुरुजी क्या आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ मैं भी उस भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं निकल जाए तो। ये मैं और मेरा, ये अहंकार। और प्रेम में अभिमान वो एक बड़ा अपराध है। अपराध यानी क्या? अपगता राधा यस्मत् सह अपराधः, जिसमें से राधा निकल जाए, यानी जो प्रेम की धारा अविचल बह रही थी वो निकल गई, अहम भाव आ गया, तो वो जो प्रेम की धारा वह अटक गई, वही अपराध है। निष्काम भाव से प्रभु की सेवा की हो, उसमें कहीं दोष हो जाए जीव का स्वभाव, अपराध तो क्षण क्षण में जीव के द्वारा होते हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए तो प्रभु वह दोष के सामने भी नहीं देखते हैं। सेवा में अपराध क्या है कि जब भाव उत्साह प्रेम निकल जाए, एक नियम के अनुसार करना पड़े, उत्साह न रहे सेवा में, तो वो अपगता राधा यस्मत् सह, जिसमें से राधा निकल गई, प्रेम की धारा निकल गई, एक कर्तव्य के भांति केवल हम नियम निभा रहे हैं, वो सेवा में अपराध है। और अभिमान ये सबसे बड़ा अपराध। अपराध के कारण अंतर ध्यान हुए प्रभु को, वह सब जगह ढूंढने लगी, एक दूसरे को पूछने लगी, ब्रज के ऐसी तन्मय अवस्था आ गई, ब्रज के वृक्षों से पूछने लगी, वहां की लता पताओं से पूछने लगी, वहां की बेलों से बात करने लगी। अरे तुम साक्षी हो जो उन्होंने वरदान दिए थे, जो आशीर्वाद जो वरदान उन्होंने हमको दिए थे, तुम उसकी साक्षी हो, अब तुम ही हमारी मदद करो, तुमने कहीं श्याम सुंदर को जाते हुए देखा। तन्मय अवस्था, और वैसे भी लीला में तो सब सब चैतन्य है, कुछ जड़ है ही नहीं। और विरह में आकर कृष्ण को पुकारने लगी, विरह में हृदय से तपा हुआ गीत, विरह की वेदना में गाया हुआ गीत, वह गोपी गीत। आइए वह गोपी गीत के दर्शन करें। देखिए हम सबके भी अंदर मैं और मेरा का भाव, अभिमान हम सबके अंदर है, तो इन गोपियों के साथ हमें भी पुकारना है प्रभु को, प्रभु जो अंतर ध्यान हमसे भी आप हो गए हो, हमें भी आप दर्शन दो। ये भाव के साथ ही गोपी गीत का गान करना है। जयति ते धिकम् जन्मना ब्रज श्रयत शश्वद त्रहि दैत द्रश्यता देशुतावता स्वैरुता सव स्वां विचिन जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज। प्रभु आपका प्रागट्य जब से ब्रज में हुआ, तब से ये ब्रज की शोभा बढ़ गई है। आपके ब्रज में प्रागट्य के साथ पूरे ब्रजमंडल को आनंद मिला है, सबको लाभ मिला, लेकिन हम गोपियां ही वंचित रह गई हैं।
हे दैत, बड़ा सुंदर संबोधन है दैत। जब से प्रभु आपका ब्रज में प्रागट्य हुआ, तब से वह वैकुंठ में, वह लक्ष्मी भी अपने वैकुंठ को छोड़कर ये ब्रज में आके निरंतर वास करती है और बड़े हीन भाव से ब्रज में रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी सोचती है कि वैकुंठ में तो वो वहां की रानी है, स्वामिनी है, प्रिया है, लेकिन यहाँ पे तो सोचती है लक्ष्मी कि यहाँ तो मेरी जैसी और कई दासियां हैं। तो लक्ष्मी जी भी सोचती है कब मुझे अवसर मिल जाए सेवा करने का, कब वह श्याम सुंदर की सेवा करने का अवसर मिले। वो फिराक में, वही ताक में लगी रहती है, बाट देखती है। इसलिए बड़े हीन भाव से लक्ष्मी जी यहाँ ब्रज में रहती कि कब मुझे अवसर मिले सेवा करने का। जो गलती गोपी ने की, पहले श्लोक में ही गोपियों ने वह गलती को सुधार लिया।